हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। मस्जिद इब्राहिम में। ये मेरे गली का लोकेशन है गाइस, आप देख सकते हैं व्यू। तो हम मस्जिद इब्राहिम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये मेरा डेली रूटीन है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब, सुबह का माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई ये सुबह सुबह। और गाइस ये हमारे तरफ अभी ओवर ब्रिज का काम लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल लगता है अगर फजर में आप उठें, और काफ़ी सुकून भी मिलता है। आप भी जगा करें भाई, फजर में नमाज़ पढ़नी चाहिए, 5 वक्त का नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये देखिए ओवर ब्रिज का काम लग रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है अभी, ये देख सकते हैं आप। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहदो पैमान लिया और उन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को बेहतर कर्ज देते रहोगे, तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर रखूँगा और तुम्हें उन जन्नतों में ले जाऊँगा जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं। अब इस अहद पैमान के बाद भी तुम में से जो इनकारी हो जाए वो यकीनन राह रास्ते भटक गया। यहाँ पर इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तो बनी इसराइल का तस्करा किया और पर इस आहद का जिक्र फरमाया जा रहा है जो बनी इसराइल से लिया गया और जिसमें वो नाकाम रहे। गोया ये बिलवास्ता मुसलमानों को तंबीह है कि तुम भी कहीं बनी इसराइल की तरह दो पैमान को पामाल करना शुरू ना कर देना। और यही चीज़ आज हम लोग कर रहे हैं कि हर दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की आहद को तोड़ रहे हैं, हर दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हल्की हल्की सुबह होना शुरू हो गया है, काफ़ी अच्छा लगता है ना सुबह में, सुकून आता है सुबह में जगने का और नमाज़ पढ़ने का तो अलग ही सुकून आता है। देखा आपने इमाम साहब ने क्या कहा, अगर हम भी ऐसे करें तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। नाफरमानी उन्होंने की, अल्लाह ताला ने उन्हें अपना सबसे प्यारा, बहुत लाड करता था अल्लाह ताला ने उन्हें, बहुत प्यार करता था, तब उन्हें अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा। क्यों?
क्योंकि अल्लाह ताला के वो नाफरमानी की है। अल्लाह ताला कैसे हमें छोड़ देगा? हम क्या समझते हैं कि हम लाडले हैं तो हमें छोड़ दिया जाएगा? इमाम साहब की बात आप लोगों ने सुनी कि वो कैसे बता रहे हैं कि तुम भी ऐसा ना करना, लेकिन आज हम वही कर रहे हैं। हमें सुधरने की ज़रूरत है। क्या हम अल्लाह के नाफरमानी करके बच जाएंगे? अल्लाह क्या हमें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए गाइस हमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। नमाज तो हो गया, अब चल के कुरान पढ़ते हैं। जो इस वक्त का कुरान में क्या पढ़ते हैं, यासीन अल्लाह ताला ने कहा है कि जो नमाज पढ़ने के बाद यासीन पढ़ेगा तो हर एक चीज़ से वो महफूज रहेगा, उसके घर में बरकत आएगी। यासीन की फजीलत आप लोग भी पढ़ लेंगे कि क्या क्या है, पढ़ लीजिएगा। तो अभी चल के हम यासीन पढ़ेंगे, नमाज तो हो गई हमारी। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين। तो यहाँ का ब्लॉगिंग हुआ ख़त्म, अब फिर मिलते हैं आपसे जोहर में।